फाइनली दिल्ली पहुंच चुका हूं, लेकिन यार इतनी बोरिंग फ्लाइट थी ना। कुछ ये रहो, जीते रहो, खुश रहो, और सब बढ़िया, सारे सुखी, सारे सुख दे, और तरक्की पा, हाँ। और जल्दी से शादी कर। ये लास्ट वाला आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी। एक तो मेरे घर वाले भी मेरे जैसे हो चुके हैं, मैं दुनिया से प्रैंक करता हूँ, मेरे घर वाले मुझसे प्रैंक करते हैं। यहाँ बने हुए कोफ्ते और ये कटा हुआ सलाद, मुझे पसंद आ रहा था वो मैं ले आया। कैसी है? कैसी कैसी? सो अपनी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है और भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी मस्त हूँ, मस्ती मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अपनी। नहा धो के बैग सारे पैक करके तैयार हो चुके हैं। एक भाई को परेशान भी कर दिया, वो उठ गए थे, वैसे ही पहले उठ गए थे, पर वो छोड़ने जा रहे हैं अपन को लेह एयरपोर्ट। आपको तो पता ही, आज हमारी लेह से दिल्ली की फ्लाइट है, तो निकल रहे हैं, चलते हैं भाई। भाई भी आ चुका है, थैंक यू भाई, सुबह सुबह परेशान किया आपको। सो अपना जितना भी सारा सामान था ना, मैंने होटल ही छोड़ दिया है, इवन धनो भी होटल ही छोड़ दिया, क्योंकि 3 दिन बाद वापस आना है, और होटल वाले भैया को बता भी दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सामान सेफ रहेगा यहाँ पे, तो वापस आएंगे तब उठा लेंगे। इवन भाई लोग भी आज जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हो? पैंगोंग। सो भाई को भी हेल्प कर दिए, बाइक वाइक मिल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो बाइक इन लोगों ने ले रखी है, वो ले रखी है हिमाचल की। हिमाचल की बाइक ना लेके आउटर सर्कल में नहीं जा पाती है, मतलब जैसे अगर आपको नूबरा या पैंगोंग जाना है ना, तो आपकी वो बाइक जाएगी नहीं, तो आपको यहाँ से लोकल बाइक लेनी पड़ेगी, इवन परमिट भी बनवाना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। भाई को बता दिया है, भाई ले लेगा आराम से, चलते हैं भाई। तो भाई निकल चुके हैं हम। वैसे इस बार पिछली बार से बहुत अलग ही लग रहे हैं माउंटेन्स। आप एक चीज़ नोटिस करो, ऊपर से सारे ब्राइट हैं, नीचे से थोड़ा डार्क ब्राउन, और बिल्कुल बिल्कुल लो एल्टीट्यूड पे जो माउंटेन्स है ना, वो सारे हुए हुए हैं इस वक्त ब्राउन, लाइटेस्ट ब्राउन। तो तीन तीन टेक्सचर में दिख रहे हैं इस बार पहाड़, और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं भाई। हम लोग ढंग से ले नहीं घूम पाए, क्योंकि कल रात को बहुत मुश्किल से पहुंचे थे यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, जब हम 14 तारीख को लौटेंगे ना, तब घूमेंगे आराम से ले बाकी भाइयों के साथ। सारे लोग आपको जो नजर आ रहे हैं, दलाई लामा जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, बड़े सारे लोग हैं भाई, पूरी रैली निकल रही भाई है ना। बड़ी भीड़ है भाई एयरपोर्ट के ऊपर इस वक्त। जिंदगी में कहीं से भी फ्लाइट लेने से पहले डरना मत, पर हाँ ले और पोखरा यहाँ से फ्लाइट लेने से डरना, क्योंकि खतरनाक लैंडिंग होती है और खतरनाक टेक ऑफ होता है यहाँ का। चलते हैं भाई अंदर एयरपोर्ट के। 1.5 घंटा पहले चेक इन में इतनी लंबी लाइन है स्पाइस जेट में, अगर ऑन टाइम पहुंचता तो पता नहीं क्या होता। सो बोर्डिंग पास मिल गया पूरा 1 घंटे बाद, चलते हैं सिक्योरिटी चेक कराते हैं और घुसते हैं एयरपोर्ट के अंदर। बोर्डिंग पास मिल गया है और चलते हैं भाई सिक्योरिटी चेक कराते हैं और गेट के पास जाके वेट करते हैं फिर फ्लाइट का। लगभग 1 घंटा लग गया पूरा। सो ले तो भाई दिल्ली के एयरपोर्ट को टक्कर दे रहा है भीड़ के हिसाब से। दो दिन से फ्लाइट सारी कैंसिल थी ना, तो बहुत भीड़ है भाई एयरपोर्ट पे, पूरा एयरपोर्ट भर चुका है। जितने लोगों की कैंसिल हुई थी उनकी आज फ्लाइट है सबकी। अरे भाई फ्लाइट डिले कर करके दुखी कर दिया है भाई, 3 घंटे डिले हो चुकी है फ्लाइट भाई, परेशान हो गया हम बैठे बैठे। सबसे बोरिंग काम है एयरपोर्ट पे बैठे रहना, 2 वीडियो एडिट कर लिए, 1 स्पॉन्सर वाला वीडियो एडिट कर लिया, अब कुछ कर नहीं सकते, बैठना ही पड़ेगा, बोर होना पड़ेगा यहाँ बैठे बैठे।
सो फाइनली पूरे 7 घंटे बाद फ्लाइट लग गई है भाई, अपन भी चढ़ने तैयार हैं दिल्ली पहुँचने के लिए। खड़े होके ना स्कीम लड़ा रहे हैं, स्कीम ही लड़ाई है उन्होंने, ये आगे जाके बोलेंगे अभी 1.5 घंटा और है फ्लाइट को, सब बढ़ जाएंगे तो सबसे आगे अपने आप पहुँच जाएंगे ना भाई। अच्छी अच्छी टेक्निक अपनाई जा रही है भाई यहाँ पे, पता नहीं कब खुलने वाला है गेट। अरे भैया बस छोड़ गई रे, ओ दूसरी आ गई। फाइनली दिल्ली पहुंच चुका हूं, लेकिन यार इतनी बोरिंग फ्लाइट थी ना, कोई बात ही नहीं कर रहा था, इससे अच्छा तो जनरल में ट्रैवल कर लेता, पर लेट से दिल्ली तक ट्रेन आती नहीं जनरल की, कोई बात नहीं चलते हैं अपना लगेज उठाते हैं बाहर की तरफ, हालत पूरी बिगड़ चुकी है। एक बात तो है, जैसे ही आप दिल्ली के एयरपोर्ट उतरोगे ना तो आपको अलग ही अच्छी खुशी मिलेगी यहाँ पे, पर दिल्ली उतरते ही ना जैकेट उतर गई है, गर्मी लगी है गंदी वाली भाई, बहुत गर्मी है। अब लगेज के लिए भी वेट करना पड़ेगा भाई। फाइनली लगेज मिल चुका है, पास में ही घर है, मेट्रो से चलते हैं, डायरेक्ट मेट्रो घर ही छोड़ देती है, द्वारका में ही अपना घर है। सारी खुशियाँ एक तरफ और अपने घर पहुँचने की खुशी एक तरफ भाई, इतना अच्छा लग रहा है ना घर पहुँच के भाई, क्या बताऊँ। बस थोड़े से चंद पल और उसके बाद मम्मी के पास होऊंगा, ऊपर पहुँचने वाले हैं, फ्लैट पर पहुँच चुके हैं भाई, और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस वक्त दिल्ली। हालांकि मौसम थोड़ा चिपचिपा सा है, मतलब पूरी स्किन चिपक रही है क्योंकि मॉइस्चर है मौसम के अंदर, पर ठीक है भाई, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, बढ़िया मौसम है इस वक्त दिल्ली का। चलते हैं ऊपर, ये देखो भाई बटन एक ही बार दबाया, एक ही बार बटन दबाया मैंने तो, ये बंद नहीं हो रहा। बढ़िया बेल लगाई आपने, बंद कर रहा हूं क्यों बंद करूं, अपने आप ही बज रही है, मैंने थोड़ा ना बजाया, मैंने सिर्फ एक ही बार बजाया। बंद करो मैं स्विच ऑफ करो ना, भैया अच्छा है बिजली का कनेक्शन लगवाया तुमने भाई, बैग मिलने में बहुत देर लग गई अम्मा सच्ची, और उसके अलावा लैंडिंग होने में बहुत देर लगाई उन्होंने, फिर टेक ऑफ होने में बहुत लेट लगाई उन्होंने, सब चीज़ों में देरी देर करी, स्पाइस जेट कभी मत लेना। ये लो जीते रहो खुश रहो, अच्छा बढ़िया, सारे सुखी सारे सुख दे और तरक्की पा, हाँ। जल्दी से शादी कर, ये लास्ट वाला आशीर्वाद की जरूरत नहीं थी, वो तो बहुत जरूरी था, नहीं था नहीं, वो कुछ भी उल्टे सीधे आशीर्वाद मत दो तुम मुझे, मेरे को खाने को नहीं मिला, मुझे तीन से सिर्फ राजमा चावल खा रहा हूँ, पक गया मैं खा खा के राजमा चावल, हमने भी राजमा बनाया, इन्होंने भी राजमा चावल बना दिए, बताओ यार क्या किया जाए। रो मत बेटा, खाने को मिल रहा, घर का मिल रहा। राजमा चावल को नेशनल फूड को घोषित कर देना चाहिए भाई, जम्मू की शान नहीं, इंडिया की शान बन जानी चाहिए वो, नहीं हरदीप की शान। एक तो मेरे घरवाले भी मेरे जैसे हो चुके हैं, मैं दुनिया से प्रैंक करता हूँ, मेरे घरवाले मुझसे प्रैंक करते हैं, यहाँ बने हुए कोफ्ते और ये कटा हुआ सलाद, और मम्मी मुझसे कह रही है कि तेले भाई साहब राजमा बना रखे हैं, वीडियो मत देखा करो आप, वीडियो देख देख के परेशान हो गए हुए, सारी चीजें पहली बदल जाती है, तभी मुझे परेशान कर रहे थे राजमा बोल बोल के,
पूरा आधा घंटा सर में दर्द हो गया। मैं सोच रहा राजमा खाना पड़ेगा आज फिर से। घर आके मैंने इमेजिन किया था बहुत बहुत टेस्टी खाना खाने के लिए मिलेगा, पर फिर राजमा सोचा दिल खराब हो गया था, लेकिन अभी जब कोफ्ते आ गए ना दिल खुश हो गया भाई। खाते हैं घर का बना हुआ खाना बढ़िया वाला। और एक बात, रोटी खाए हुए ना पूरा महीना हो गया, घर की बनी हुई आटे की रोटी खाऊंगा आज मैं। ये जो फीलिंग मिल रही है ना मुझे, ये जन्नत से कम नहीं है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। दुनिया की कोई भी जगह कम है, पर मेरा घर सबसे बेस्ट है। सो शाम के बज रहे हैं 7:30 और थोड़ा बहुत आराम किया था, घर वालों के साथ बातें भी की थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, हिमाचल के अंदर इस वक्त हैवी फ्लड आया हुआ है, हैवी रेनफॉल की वजह से। तो जितने भी लोग इस वक्त हिमाचल जाने का प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़े दिन रुक के आराम से, बाद में जब मौसम सही हो जाए, 1 या 1.5 महीने में सही हो जाएगा, उसके बाद आप जाने का प्लान कर सकते हो, तो तभी जाना भाई। हर साल इस टाइम पे ना वहाँ पे थोड़ा सा फ्लड आ जाता है, इवन हैवी रेनफॉल की वजह से कहीं कहीं जगह पे डैमेज भी होता है, तो इस वजह से इस वक्त मत जाइए, थोड़ा टाइम बाद चले जाइए। काफी सारे फैमिली मेंबर्स हिमाचल से वीडियोस भेज रहे हैं, बड़े डरावने से हैं, तो कृपया रुक के ही जाना भाई, अपनी सेफ्टी भी तो जरूरी है। और जितने भी लोग हिमाचल से देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है, मुश्किल चल रहा है, पर हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। मैं प्रे करूंगा जल्दी से जल्दी सबके लिए अच्छा टाइम आ जाए। सो मम्मी और भाभी दोनों तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हूँ, हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, कैरी ऑन जट्टा 3। बहुत अच्छी मूवी है, मैंने पहले सेकंड टाइम देखा। आप सेकंड टाइम देख रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ। जब मैंने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट देखा था ना, वो बहुत बढ़िया था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने। चलो चलते हैं भाई। कौन सी गाड़ी चाबी उठाई है? काफी दिन बाद में मम्मी के साथ जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, और वैसे ही पंजाबी मूवी ना बड़ी कॉमेडी होती है, अच्छी लगती है देखने के लिए, तो चलते हैं घर वालों के साथ। अब तो मम्मी आराम से चल भी ले रही है, स्टिक के बगैर भी चल लेते होगे अब तो, पर स्टिक ऐसे ही ले चल रहे हो? सीढ़ियों के लिए। अच्छा, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता होगा मम्मी का ना घुटनों का ऑपरेशन हुआ था रिसेंटली, मतलब हुआ होगा मां कितने महीने पहले हुआ था? 4-5 महीने पहले हुआ था, और अब मम्मी आराम से चल ले रही है। ओहो, इतना ज्यादा मॉइस्चर हो रखा है यहाँ पे, पसीने चिपचिपा सा। सो काफ़ी दिन बाद रिच चलाने वाला हूँ, साल में सिर्फ 15 दिन ही चलती होगी ये। बाकी दिन खड़ी रहती है, पर हाँ मेंटेन रखता हूँ मैं, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ रिपेयर करा देता हूँ बिना चलाए। आज तो मिट्टी भी नहीं लगी हुई, भाभी ने साफ करवा दी थी पहले ही। सो भाई हम निकल चुके हैं वेगास मॉल के लिए। ओहो, वहाँ जाके शॉपिंग करवा रहे हो आप मुझे सुप्रीत दी? क्या शॉपिंग करा रहे हो? क्या लेना तुम बताओ। कुछ ना कुछ शॉपिंग करा दो यार, मैं आया हूँ इतना दूर से, मैं आया दूर हो चल के। थोले से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में मुझको आहों में भर लो ना तुम। सब पहुंच चुके हैं मॉल के अंदर, और जब भी मॉल के अंदर पहुंचो तो भाई ये खंबे का नंबर याद रखना, नहीं तो हर बार मैं गाड़ी भूल जाता हूँ, मेरे तरह आप भी भूल जाओगे। और ये देखो मम्मी और भाभी तो मुझे छोड़ के भाग गई, मेरा इंतजार भी नहीं किया। मैं दुनिया का पहला पजामा आदमी हूँ जो पजामा पहन के और क्रॉक्स पहन के मॉल आ जाता भाई। या मेरे अलावा भी होंगे और कोई? दिल्ली में फैशन है, लोग कंफर्ट के चक्कर में क्रॉक्स पहन के घूमते हैं भाई। और वैसे भी जो आपको पसंद है ना वो पहनना चाहिए, दूसरों को देख के नहीं पहनना चाहिए। ओहो, द्वारका के मॉल थोड़े खाली खाली से रहते हैं, पर हाँ यहाँ सामान सारा मिल जाता है। तो हम आ चुके हैं लाइफस्टाइल के अंदर, अभी देखते हैं कुछ कपड़े पहनने के लिए, क्योंकि कपड़े ख़त्म हो चुके हैं भाई, गंदे बहुत हो गए हैं, तो ट्रिप पे काम आएंगे कपड़े। सो लद्दाख ट्रिप पे पहनने के काम आएंगे कपड़े। कितनी है? 6 और कितनी होंगी? कम से कम 15 टी शर्ट्स लिए ट्रायल करने के लिए, लगभग मतलब 7-8 टी शर्ट्स तो ले ही लूंगा। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। कौन सी? तो मैं फर्स्ट पसंद आई थी वो। ये कौन से?
स्टार वॉर। मुझे पसंद आ रहा था वो मैं ले आया। कैसी है? कैसी कैसी? सो अपनी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है और भाई स्टोर भी क्लोज हो गया है, चंचल भी आ चुके हैं। मूवी की टिकट बुक कर ली, चलो चलते हैं। सो मूवी में थोड़ा टाइम और हमने कुछ खाना भी नहीं खाया है, तो हम आ चुके हैं फूड कोर्ट कुछ खाने के लिए। देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं, क्या बढ़िया मिलता है खाने के लिए। क्या खाओगे अम्मा? वो तो खिला दे अच्छा। हल्दीराम महाराज ने हल्दीराम खाओ। देवीराम बीकानेर वाला नहीं है अम्मा? अच्छा टाकोस बेल। वैसे पता है ये वाला रेस्टोरेंट मैंने जॉब की है ज़्यादा आपको कैफेटेरिया हाइट्स 2019 में करी है जॉब कैफेटेरिया हाइट्स में एज एन शेफ। सो सब लोगों ने मिल के सोचा कि चाइनीज़ खाएंगे। वैसे मेरा फेवरेट चाइनीज़ है तो हम बाहर चाइनीज़ आ गए। चले अंदर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ चुके थाई करी मेरी फेवरेट विद स्टीम राइस। इसके बाद चलते हैं सीधा मूवी के लिए। एक चीज बता दूं आपको, भैया और भाभी ने दोनों ने मूवी देखी हुई है लेकिन मेरे लिए और मम्मी के लिए मूवी देखने जा रहे हैं। कॉमेडी मूवी है ना, मुझे और मम्मी को बहुत पसंद है। थक गए मम्मी चढ़ते चढ़ते। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਮਰੋ ਸੜ ਦੇ ਰਾਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈਆ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋੜ ਪਿਓ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਵਕੀਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਾਈ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡੜੀ ਡੜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ भाई 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 क्या मूवी थी, मजा आ गया भाई, काफी कॉमेडी थी। एडवोकेट टिल्लो ने कालाकोट एवं ही नहीं पाया भाई। बहुत कॉमेडी थी, काफी अच्छा लगा और हंस हंस के पागल हो गए। फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम बीता। चलते हैं घर पे सीधा। रात के 2 बज चुके हैं भाई, पूरा मॉल खाली हो चुका है, काफी लेट फ्री हुए हैं भाई। सो भाई आप लोग सोच रहे होंगे मम्मी भाभी कहाँ गए, वो सामने वाली गाड़ी जा रही ना उसमें मम्मी भाभी और भैया आए हैं। तो भैया आए थे काम से बाहर से तो अपनी गाड़ी से ही आए थे, और मैं और मम्मी और भाभी आए थे कार से। तो मम्मी भाभी गई हुई हैं भैया के साथ सामने वाली गाड़ी में, सीधा घर ही जा रहे हैं। तो उनकी गाड़ी में आ गए थे वो लोग और मैं नीचे से बेसमेंट से ये वाली गाड़ी उठाने गया था। तो चलते हैं सीधा घर। सो लौट के घर वापस आ चुके हैं, काफी अच्छा सा दिन गया फैमिली के साथ, मम्मी के साथ, भैया भाभी के साथ। एक चीज है, जब अपनी फैमिली के साथ होते हैं ना तो सबसे अच्छा टाइम बीतता है, और हम सोचते हैं कि दूर दूर मतलब नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे तो वहां हमारा सबसे अच्छा टाइम बीतेगा, वहां ज्यादा हमें शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है, सबसे मजा आपको तभी आता है जब आपके साथ अपनी फैमिली होती है, उनके साथ हंसते खेलते हो, उनके साथ ऐसे मूवी देखने जाते हो, खाते हो रेस्टोरेंट में या फिर घर में कुछ खाना बना के खाते हो, तो काफी मजा आता है। ये सब चीजें मुझे तब फील हुई जब मैं घर से बाहर रहा। पहले मैं भी ऐसे ही था, मतलब बाहर घूमना पसंद करता था,
नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करता था, पर अब ऐसा नहीं है। आप भी एक टाइम बाद फील जरूर करोगे ऐसा, जब आप अपनी दिक्कतें शेयर करोगे ना अपने घर वालों से, जो वो हेल्प करेंगे ना वैसा हेल्प कोई और नहीं कर सकता। तो अपनी फैमिली से ना ऐसे ही प्यार करते रहना जैसे आप करते हो, और ऐसे ही अच्छा टाइम बिताते रहना हमेशा। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ, लाइक करके जरूर जाना पसंद आया होगा तो आज का व्लॉग, कमेंट करना क्या चीज पसंद आई, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि आगे बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आने वाले हैं। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय।